how do I deal with it? How do you constantly not worry about something? So what do we call this? So why are we born? Is it an issue? बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग जब कठिन समय आता है तब प्रार्थना पढ़ते हैं, या जब बीमार होते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं, या पुस्तक में कोई प्रार्थना पढ़ते हैं। तो क्या ये सही है कि जब कठिन समय आए तभी प्रार्थना करें, या जब कोई अपनी इच्छा हो तो उसको पूरी करने के लिए प्रार्थना करें? तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक प्रकार का भीख मांगने का प्रकार आज प्रचलित है। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ किसके लिए कि मुझे कुछ चाहिए, भगवान ये दे, मेरे पास ये नहीं है, मुझे मेरी झोली में ये डाल दे, तो ये भीख मांगे का काम है आजकल। लेकिन अगर आप प्रार्थना को सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो प्रार्थना में दो भाग होते हैं। एक भाग है कि मैं ये मानूं कि कोई ऐसी शक्ति है, जिसे हम ज़्यादातर भगवान बोलते हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ जानती है, सर्वज्ञ है, जो सब कुछ कर सकती है, सर्वशक्तिमान है, और जो दुनिया में हर कोने में है, सर्वव्यापी है, ऐसी शक्ति है। तो पहली चीज तो मुझे ये मानना है कि ऐसी शक्ति मौजूद है, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट, कि मैं मानता हूं कि ऐसी कोई शक्ति मौजूद है। अभी सिर्फ मौजूद है ये मानना, ये एक बात हो गई, लेकिन उस शक्ति के प्रति धन्यवाद देना कि आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञ हो, ये मैं मानता हूं और मैं आपको अभिवादन करता हूं कि आप महान हो, तो प्रार्थना का एक भाग ये हो गया, ठीक है, समर्पण। हाँ। कि मैं समर्पित हूं कि मेरे से कोई बड़ी शक्ति है। प्रार्थना का दूसरा भाग ये है कि मुझ में कमियां हैं और ये कमियां ना हो तो जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो जो भी कमी मुझे निकालनी है मेरे जिंदगी से, तो उसके लिए मैं विनती करूं कि ये कमी मेरे जिंदगी से हटाने में मेरी मदद करो, तो ये विनती है, याचना है, मैं याचक हूं, मैं याचना करता हूं। तो ये दो भाग अगर हम प्रार्थना में करेंगे तो फिर वो भीख मंगापन नहीं होता है, कि एक तरीके से मैं मानता हूं आप ऊपर के स्तर पर हो, मैं नीचे के स्तर पर हूं, और स्रोत जो है वो ऊपर से नीचे हमेशा आता है, नीचे से ऊपर तो जाता नहीं है। तो आप ऊपर हो, मैं नीचे बैठा हूं, तो आपसे वो स्रोत मेरी तरफ प्रवाहित हो, ये मेरी इच्छा है, और मैं मेरी इच्छा बयान करता हूं, विनती करता हूं बड़ी विनम्रता से। विनम्रता होना बहुत जरूरी है, अगर विनम्रता नहीं है तो फिर वो प्रार्थना नहीं होती है, फिर वो हक बनता है, मुझे चाहिए, हक नहीं है, आपकी विनती है, तो विनती में विनम्रता अभिप्रेत है, जरूरी है। प्रार्थना कब करनी चाहिए? सबसे आसान जवाब तो ये है, 24 घंटे। प्रार्थना कब करनी चाहिए? 24 घंटे, लेकिन मुमकिन नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तो हम प्रार्थना कर नहीं सकते। लेकिन भाव आपका प्रार्थना का हो तो आप जो भी कार्य करते हो तो वो भी मुमकिन है। मैं काम कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ, मैं एक कारकुन हूँ, कहीं लेटर टाइप कर रहा हूँ, तो ये मेरा काम है, मैं किसी कंपनी में कारकुन हूँ, मैं वो कारकुनी का काम करते करते इस भावना से काम करूं कि जो मैं कारकुनी कर रहा हूं वो भगवान का काम है, तो मेरी भावना सदैव प्रार्थना के रूप में रहेगी, मेरा काम प्रार्थना के रूप में रहेगा। और कैसे करनी चाहिए प्रार्थना? समर्पित होके,
अपने आप को मैं कोई हूं ये विचार छोड़ दीजिए तो ही प्रार्थना पहुंचती है। बच्चा जब मां से कुछ मांगता है हक से मांगता है, एरे गेरे औरत से नहीं मांगता है, अपनी मां से मांगता है, हक से मांगता है। लेकिन वो हक से मांगने में तू कैसे नहीं देती है ये भाव नहीं होता है, देना मम्मी देना है ना, वो याचना रहती है। मां को भी पता है, कभी कभी मां बोलती है नहीं अभी नहीं बेटा, अभी तो अभी वक्त नहीं हुआ, अभी खाने का वक्त नहीं, अभी नहीं बिस्किट मिलेगा, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगा, खाने के बाद मिलेगा। तो मां भी उसको डांटती है, लेकिन वो डांट में भी प्यार रहता है। तो आप कभी कभी प्रार्थना करते हो, गलत चीज गलत वक्त पे मांगते हो, भगवान आपको नहीं देता है। आपको कोई कठिन समय से गुजारता है तो वो आपके मां की डांट है। इसका मतलब ये नहीं भगवान आपसे नाराज है और आपको देना नहीं चाहते, सही वक्त पे देगा। प्रार्थना जारी रखो, मां ने दिया नहीं इसलिए बच्चा मांगना रुकता है क्या? नहीं रुकता है। वो बोलेगा मां ने बोला डिनर के बाद चॉकलेट मिलेगा, अभी डिनर हो गया मम्मी चॉकलेट 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 मांगो। लेकिन कई बार अपने ये मंत्र पढ़ते हैं महामृत्युंजय का, लेकिन उसका मीनिंग तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमने वो शब्दों का अर्थ जाना ही नहीं। तो वो पढ़ने का कुछ फायदा होता है? जब तक भाव नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। तो भावना नहीं है, भाव नहीं है, तो जब तक आपके यहाँ भाव नहीं है, आपका भाव क्या है? महामृत्युंजय मंत्र आप क्यों पढ़ रही हैं? आपका कोई सगे वाला रिश्तेदार बचना चाहिए, वो मृत्यु के घाट उतर रहा है, उसको बचाने की आपकी इच्छा है, इसलिए आप महामृत्युंजय मंत्र बोल रही है। किसी ने आपको बोला इस मंत्र का जाप लगातार करते रहिए वो ठीक हो जाएगा? आपको महामृत्युंजय मंत्र में जो संस्कृत के शब्द हैं उनका अर्थ पता है? नहीं, शायद नहीं है। तो फिर आप क्या बोल रही हो? लेकिन भाव तो ये है कि मेरा ये भाव वो ये है कि वो बच जाए, भाव ये नहीं है कि भगवान तू बड़ा है, वो भाव किधर गया? तू बड़ा है ये भाव होना चाहिए, तो तेरे से कुछ मिलने की गुंजाइश है। प्रार्थना में आजकल हमारे यहां भाव नहीं है, सिर्फ खोखले शब्द हैं, और भावना की जब तक उसके पीछे ताकत नहीं तब तक प्रार्थना का प्रभाव नहीं। महत्वपूर्ण है भाव। बिल्कुल, आपके पास शब्द नहीं है, मान लो अनाड़ी आदमी है, अपने भारत देश में ही कितने अनाड़ी लोग हो गए जो संत महात्मा होके गए, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, भाव था, जो भी उनके मुख से शब्द निकले वो काव्य बन गया या ग्रंथ बन गया, है ना? कहां पढ़ाई की उन्होंने? कुछ नहीं, व्याकरण भी शायद गलत था, लेकिन भावना सच्ची थी। बिल्कुल, तो प्रार्थना पहुंच गई। उनके शब्द पढ़ने वाले आज करोड़ों की तादाद में हैं, और आप पढ़े लिखे हो, आपने कुछ लिखा है तो कोई पढ़ता भी नहीं। आप बोलेंगे अरे मुझे 10 लाइक्स मिले 100 लाइक्स मिले, यहां तो करोड़ों में लोग पढ़ रहे हैं। एक अनपढ़ ने कुछ लिखा हुआ था काव्य, वो करोड़ों ने पढ़ लिया, भाव था, वो ताकत भावना की थी।